हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम सी में बिटफील्ड्स के बारे में जानेंगे। बिटफील्ड्स दे कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इनसाइड अ स्ट्रक्चर और अ यूनियन एंड अलाउ यू टू स्पेसिफाई सम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ बिट्स इन लेंथ। यानी कि बिटफील्ड्स का यूज हम यूनियन और स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर कर सकते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स को भी हम बिटफील्ड्स डिक्लेयर करते हैं हम उनका साइज जो है वो बिट्स में, यानी कि जो उनकी लेंथ है वो बिट्स में डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितना बिट्स जो है वो यूज करेंगी मेमोरी के अंदर। बिटफील्ड्स को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिट्स फील्ड को हम स्ट्रक्ट या यूनियन में डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाया। उसकी बॉडी इस तरह से हम टाइप देते हैं। टाइप मतलब कि वो किस डेटा टाइप का है, इंटीजर, अनसाइंड इंट है या साइंड इंट है। जो बेसिकली बिटफील्ड्स होते हैं वो इंटीजर टाइप की ही हम डिक्लेयर करते हैं, तो टाइप जो है वो इंटीजर टाइप में ही रहेगा। मेंबर नेम यानी कि हम यहाँ पर बिटफील्ड का नेम देंगे और कॉलन्स लगाएंगे, और उसके बाद उसकी विड्थ देंगे यानी कि उसका साइज देंगे बिट्स में कि वो कितनी बिट्स मेमोरी में स्टोर करेगा। अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसमें हमने आपको ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन दी है कि टाइप किस लिए यूज होता है, मेंबर नेम क्या यूज होता है, और विड्थ जो है वो विड्थ का क्या मीनिंग है इसमें। टाइप, टाइप एन इंटीजर टाइप दैट डिटरमाइंस हाउ द बिट फील्ड वैल्यू इज इंटरप्रेटेड। यानी कि यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि इंट दे सकते हैं, अनसाइंड इंट दे सकते हैं, और अनसाइंड साइंड इंट दे सकते हैं। यानी कि इस टाइप में हम इंटीजर, इंट टाइप, अनसाइंड इंट या फिर साइंड इंट दे सकते हैं। मेंबर नेम, मेंबर नेम द नेम ऑफ द बिट फील्ड, यानी कि जिसे आप जिस नेम पे भी आप बिट फील्ड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उस मेंबर का आप नाम देंगे। उसके बाद हम कॉलम्स लगाएंगे, फिर हम विड्थ, विड्थ क्या बताएगी, द नंबर ऑफ बिट्स इन द बिट फील्ड, यानी कि उस बिट फील्ड ने कितनी विड्थ या उसका क्या साइज है नंबर ऑफ बिट्स में। द विड्थ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द बिट विड्थ ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर टाइप दे देती हूँ इंट। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीजर टेक टू बाइट्स इन मेमोरी, तो टू इंटू एट, वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट्स, तो टू बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स। 16 बिट्स जो है वो बेसिकली इंटीजर टाइप जो है वो स्टोर करता है मेमोरी में। मगर अगर हम यहाँ पर विड्थ दे देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर 7 दे देती हूँ या 8 दे देती हूँ, तो वो 16 बिट्स ना स्टोर करके इतनी बिट्स जो है वो उस मेंबर नेम के लिए मेमोरी में एलोकेट कर देगा। तो ये विड्थ बताता है कि उस मेंबर नेम ने कितनी लेंथ या कितना साइज जो है वो मेमोरी में लोकेट किया है। तो ये जो विड्थ है वो आप उस स्पेसिफिक टाइप की नंबर से लेस ले सकते हैं या उसके इक्वल ले सकते हैं। यानी कि इस विड्थ को आप इंटीजर है तो 16 बिट्स से ज्यादा नहीं ले सकते, 16 से लेस और 16 के इक्वल आप इसे ले सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हैश इंक्लूड str.h, दिस इज द हेडर फाइल। इंट मेन, मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर बिटफील्ड्स को डिक्लेयर किया है। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय, कर्ली ब्रेसेस ओपन की है। अनसाइंड आईडी, आईडी जो है वो एक मेंबर नेम है जो कि अनसाइंड इंटीजर है, और उसकी विड्थ मैंने दी है 7। अनसाइंड सेक्स, दूसरा मेंबर नेम जो मैंने दिया वो है सेक्स, वो भी अनसाइंड इंटीजर है, और उसकी फील्ड विड्थ यानी कि विड्थ जो दी है वो मैंने 1 दी है। अनसाइंड एज, तीसरा मेंबर जो है वो एज है, वो भी अनसाइंड टाइप का है, और उसकी विड्थ मैंने दी है 7। यहां से मैंने स्ट्रक्चर की बॉडी को टर्मिनेट किया सेमी कॉलन के साथ। फिर मैंने स्ट्रक्चर नाम का यानी कि जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 1, और उससे वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज की है यानी कि असाइन की है। एम्प्लॉय 1.id की वैल्यू दी है मैंने 203, एम्प्लॉय सेक्स की वैल्यू दी है 1, और एम्प्लॉय एज की वैल्यू दी है मैंने 23। अब मैं इन वैल्यू को एक्सेस करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, एम्प्लॉय 1.id, आईडी की वैल्यू जो कि 203 है, आप आउटपुट देख रहे हैं। एम्प्लॉय 1.सेक्स वैल्यू इज 1, एम्प्लॉय 1.एज वैल्यू इज 23, तो ये आउटपुट आपकी आएगी। अब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनसाइंड आईडी, आईडी ने जो 7 बिट स्टोर की है उसमें ये वैल्यू ऑक्यूपाई कर ली है।
अनसाइंड सेक्स यानी कि जो सेक्स है उसने वन बिट लिया था तो उसने वन वैल्यू दी है. 23 यानी कि अनसाइंड एज ने जो वैल्यू रिटर्न की है वो है 23. तो इस तरह से हम बिट फील्ड्स की हेल्प से नंबर ऑफ बिट्स जो है वो मेमोरी में मतलब ऑक्यूपाई हो जाए, तो हम यहाँ पे विड्थ की हेल्प से नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. यानी कि अगर हम यहाँ पर इसे फील्ड विड्थ ना देते, बिट फील्ड्स ना देते, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीजर टेक टू बाइट्स, टू टू एंड टू, सिक्स सिक्स इंटू एट, यानी कि जो भी कैलकुलेशन है वो आपकी सिक्स बाइट्स जो है वो स्टोर हो जाएंगी जैसे ही हम इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. मगर अगर हम उसकी बिट्स दे देते हैं, बिट फील्ड डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो उतनी ही बिट्स स्टोर करती हैं, बाकी की बिट्स जो है वो हमारी सेव हो जाती हैं. यानी कि इसमें जो बिट्स हैं वो फुली यूटिलाइज होती हैं और वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होता. तो इस तरह से हम मेमोरी की वेस्टेज को बिट फील्ड की हेल्प से डिक्रीज कर सकते हैं. वी कैन एक्सेस द डाटा मेंबर्स ऑफ बिट फील्ड स्ट्रक्चर्स इन सेम वे एज नॉर्मल स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने यहाँ पर आईडी, सेक्स और एज बिट फील्ड बनाए हैं, तो हम इनको नॉर्मली डॉट ऑपरेटर से ही एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि हम सिंपली स्ट्रक्चर के इंस्टेंस को यानी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं. तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ही हम इन बिट फील्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं. अब हम इन बिट फील्ड्स का एक एग्जांपल अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे. हाउ बिट फील्ड्स और डाटा फील्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी. अब हम देखेंगे कि कैसे बिट फील्ड्स जो है मेमोरी के अंदर एलोकेट होती हैं, यानी कि मेमोरी एलोकेशन होती है. मिनिमम साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच हैज एटलीस्ट वन बाइट बिट टाइप मेंबर इज 2 बाइट, दैट इज 16 बिट्स. यानी कि इंटीजर टेक 2 बाइट्स तो मैक्सिमम जो है वो 18 बिट्स, 16 बिट्स का जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है. दिस इज कॉल्ड वर्ड साइज ऑफ ए प्रोसेसर. इसे हम वर्ड साइज ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. वर्ड साइज डिपेंड अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर. वर्ड साइज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वर्ड साइज है माइक्रो प्रोसेसर का. टर्बो सी इज बेस्ड ऑन 8086 माइक्रो प्रोसेसर विच वर्ड बाइट इज 2 बाइट. यानी कि जो सी है उसका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें जनरली जो वर्ड साइज है वो 2 बाइट्स का है. तो हमने यहाँ पे देखा बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम, जैसे कि मैंने सबसे पहले आईडी लिया, आईडी ने 0 से 6 बिट्स तक स्टोर कर लिया यानी कि 7 बिट्स स्टोर कर लिए. फिर हमने 6 लिया तो उसने 1 बिट का स्टोरेज लिया और उसके बाद जो है हमने लिया एज, एज जो है फिर उसने 7 बिट स्टोर कर ली. तो 0 से लेकर 6 तक आईडी ने लिया, 1 बिट सेक्स ने लिया और फिर एज ने लिया 8 से लेकर 14 बिट्स तक. इस तरह से वैल्यूज जो है वो बिट्स लेंथ की हेल्प से स्टोर होती जाएंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन एज शोन इन दिस फिगर. इन द अबव क्वेश्चन 7 बिट्स इज यूज्ड फॉर आईडी, 1 बिट्स इज यूज्ड फॉर सेक्स एंड 7 बिट्स फॉर एज. इस तरह से जो है बिट फील्ड्स में मेमोरी को हम एलोकेट कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है. और अगर हम बिट फील्ड्स का यूज नहीं करते तो काफी मेमोरी जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू वेस्ट होती है. तो हम मेमोरी को फुली यूटिलाइज करने के लिए बिट फील्ड्स का यूज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ.